आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको खबर दें, कराची में मुहर्रम अल हराम के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी की पाबंदी पर शहरियों ने मिले जुले रद्देअमल का इजहार किया है। मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। कराची में मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी सुरताल के पेश नजर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 10 मुहर्रम की रात तक रहेगा। डबल सवारी पर पाबंदी के हवाले से शहरियों ने मिले जुले रद्दे अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि शहर का मौजूदा हालत में यह फैसला दुरुस्त है। आवाम से अपील करता हूँ कि वो भी सिंगल सवारी चलाएं, ना के डबल सवारी करें। अच्छा फैसला हुआ है, क्योंकि ये मुल्क में जो हंगामे और ये सब हो रहे हैं, सबसे बेहतर यही हल है कि डबल सवारी बंद कर दी है। कुछ शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद करने के बजाय सिक्योरिटी निजाम को बेहतर बनाया जाए। डबल सवारी की पाबंदी से लाखों शहरी मुतासर होते हैं। जब तक माहौल सही नहीं होगा डबल सवारी से तो कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसी बस जो है ना, लोगों को तंग करने के लिए इन्होंने खोली हुई बस। जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बारह भी बोल लो, नूर हो या मुहर्रम हो, हर नजला सिर्फ पाबंदी पे उठता है। पाबंदी होने के बावजूद भी जो बम फटते हैं, ब्लास्ट होते हैं, चोट डेगेट होते हैं, कोई असर ही नहीं उनके ऊपर, तो ज्यादा हमारे साथ कुछ दो इंसान काम करते हैं, उसका हेल्पर होता है, बंदा अकेले में लेके जा सकता है, तो बस परेशानी होती है। अब ये कि पाकिस्तान ने अभी चला रहे सिस्टम मुहर्रम अल हराम के महीने में डबल सवारी पर पाबंदी से सिक्योरिटी को बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। कैमरामैन फैसल हुसैन के साथ मंजर रिजवी, वक्त न्यूज़, कराची।